चला से ये जो बच्चा है ना ये बिल्कुल अपनी फीमेल की तरह गया, जिस तरह वो है बिल्कुल वही चीज है। उसकी दुम के पास जो है ना ग्रीन मार्क है, उसकी दुम के पास ग्रीन मार्क है। ये देखे पालू वो गए वो देखे भाई साहब यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खरी से हो गए हाजिर हो चुके को और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सबसे पहले बात चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गाइस चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मौसम आप देखेंगे कितनी तेज धूप निकली हुई है, सूरज जो है बिल्कुल ऊपर आया हुआ है और बाहर जो है खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हमारे जितने भी प्रेज है सारे यही बाहर थे, आज भी सब कुछ है मैंने फीड डाल दिया सिवाय कबूतरों लिटिल डकेज अपने मुर्गों के। और यहाँ पे भी हमारे क्या कहते हैं यंग बर्ड जो है ब्रेड खा रहे हैं और अपने बच्चों को फीड करवाई जा रही है। और ये जो है अपनी डोली की सफाई कर रही है। और यहाँ पे जी हमारा बबलू तो वो देखे किस तरह पालक को क्या लड़ाइया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो देखे खेल छेल हाँ खेल है खा नहीं रहा। बाकी यहाँ पे देखिए आप माशाल्लाह से मास्टर के बच्चे बड़े हो चुके हैं, बाहर आ गए डोली से, अभी हर वक्त बाहर ही होते हैं। और साइज़ भी इनका ठीक है लेकिन थोड़ा सा और बड़ा होना है इन्होंने, जैसे हमारी क्या कहते हैं मिंकू है और ये चिंकी देखे जिस तरह है माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे हैं सारे। और ये जो है ना इस दफ़ा भी उसी तरह आया जिस तरह पिछली दफ़ा आए थे, लेकिन इस दफ़ा इनका कलर ज़्यादा डार्क है। और उसके अलावा वर्सेस भी यहीं पर, इनका भी प्यार इंशाल्लाह बहुत जल्द लग जाएगा, बस अगले सीजन ही अंडे देंगे शायद ना ही दें क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। और जल्दी से अभी मैं रोटी लाता हूँ और सबको डालता हूँ, किसी को भी अभी तक रोटी नहीं डाली, खाली अपने परिंदों को जो है ना मैंने फीड डाली थी। और लिटिल डकी जो है ना बहुत भूखे हुए हैं, इनको रात को मैंने इतनी ज़्यादा रोटी डाली थी, फिर सुबह उन्होंने 5 बजे के आसपास शोर करना शुरू किया तो इनको मैंने पानी भी डाला था फिर इनके पिंजरे में। रात को इनको अंदर ही रखते हैं तो इतना शोर किया इन्होंने पानी डाला फिर थोड़ा सा खामोश हो गए थे। और अभी इनको फिर भूख लग गई और अपने कबूतरों को भी फीड डालते हैं और बाहर निकालते हैं ताकि ये उधर से पानी पी सके। बाकी पानी वाला बर्तन फुल था, सुबह से जो है ना अपना असील मुर्गा और मुर्गी को खोला हुआ है, असील मुर्गी जो है ना बैठी हुई है पर फिला के, इसको अभी हम अंडों पे नहीं बैठाएंगे जब तक ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि फिर इसने खाना पानी भी अभी तक शायद किया है कि नहीं मैं इसको अभी देखूँगा। और राजा रानी भी बेताब हो रहे हैं रोटी खाने के लिए। और यहाँ पर देखे कितना गंद बन गया, इनकी उस दिन मैंने पिंजरों की सफाई की थी लेकिन आज जो है ना उन्होंने इतना नहीं बचाया लेकिन फिर भी गंद हो गया। और चलिए इंशाल्लाह फिर सफाई कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जल्दी से मैं देखता हूँ रोटी नरम हुई है कि नहीं। तो गाइस फिलहाल जो है मैं रोटी तो ले आया हूँ, रोटी को मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा नियम गर्म था और उसमें मैंने क्या कहते हैं भिगोई थी ताकि जल्दी नरम हो जाए। तो रोटी जो है ना बिल्कुल नरम हो गई है। सबसे पहले किसको डाला जाए, सील मुर्गा ही इसको ही डालते हैं जल्दी से। वो जो प्लेट में रोटी है ना इसको ज़रा गिराते हैं, गिराते नहीं कहीं ऊपर छत पर फेंक जाते हैं ताकि कोई और परिंदा वगैरह खा ले, नहीं तो काम करते हैं लिटिल टक्कीज का बर्तन बिल्कुल साफ है, वो एकदम साफ कर देते हैं और इसी बर्तन को निकालते हैं। ये लोग बाहर ही ना आ जाए कहीं, अंदर 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 ये अंदर जो अंदर जो अंदर जो दरवाज़ा जो है ना फिर टूट गया, इस दरवाजे को रोजाना मैं ठीक करता हूँ फिर ख़राब हो जाता है। सबसे पहले जो है ना रोटी को थोड़ा सा ऐसे तोड़ लेते ताकि ये खा ले, बड़ी रोटी को जो है ना तोड़ नहीं सकते, ये ऐसे हमने छोटा छोटा कर लिया। और सबसे पहले जो है ना हम अपने किसको डालें समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी, लिटिल डकीज को डाला हुआ तो खाएंगे नहीं इधर उधर भागेंगे तो इनको बाहर नहीं डालना अच्छा है। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ अपने सील मुर्गा मुर्गी को डाल लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ रोटी रोटी इस फुटबॉल को हम साइड पे करते हैं, आ जाओ आ गए जी हमारा मुर्गा तो आ गया, मुर्गी अभी तक पिंजरे में ही बैठी हुई है आ जाएगी इंशाल्लाह, आ जाओ आ गई आ गई आ गई खाएगी रोटी, चलो जाओ जाओ रोटी के पास जाओ। इसकी कुड़ों को नए के दिन भी आ गए तो बहुत जल्द जो है ना इंशाल्लाह कुड़ों को जाएगी, माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हो गई है बागी आज थोड़ा सा, रोटी खाओ खाएगी इंशाल्लाह खाएगी, ये वाली खाओ ना खाने दो, और सील उसको भी बताओ जैसे खाओ जो नरम रोटी है यार, वो रोटी नहीं खा रही जो नरम है, रोटी खा रही खाएगी खाएगी इंशाल्लाह, बस खा लेना थोड़ी सी भी खा ले तो बहुत है। सील मुर्गे ने तो सारी खा ली है लेकिन मुर्गी जो है ना नहीं खा रही है,
यार चलो देखते हैं थोड़ी देर तक खाती है तो सही है, वरना तो फिर कोई और चीज़ ही देखते हैं उनको डालते हैं। और बाकी अभी हमने अपने सील मुर्गा मुर्गी को भी खोलना है और रोटी जाना आज बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मैंने तो खोल लिया। चलो कोई नहीं, दिन के काम भी आ जाएगी। और लिटिल डकी तो इतनी ज़्यादा रोटी खाते हैं, अभी हम जल्दी से जो है ना अपने कबूतरों को निकाल देते हैं ताकि जल्दी से पानी पी लें। और माशाल्लाह से सील मुर्गी कुछ खाने की कोशिश कर रही है लेकिन बीमार है मुझे लगता है, तब इसे खाया नहीं जा रहा, तो खा लेगी कोई बात नहीं है, अगर वो तो नहीं खा रहे तो मैं जल्दी से जो है ना अपने इन लिटिल डकीज़ को खोल देता हूँ ताकि यही जो है ना ख़त्म कर दें। आ जाओ अभी देखना किस तरह भागेंगे। ये गई फौज, ये गई फौज के चार नौजवान, वो गए। देखिए किस तरह भाग के जाते हैं और रोटी खाते हैं, पहले तो पानी पे टूटेंगे। और वो सील मुर्गा देख रहे कहीं मारे ना, नहीं मारता तो नहीं इतना नहीं है ये। फिलहाल जो है लिटिल डकीज ने तोड़ फोड़ मचा रखी है, रोटी की खा रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं कभी रोटी खा रहे हैं। और यहाँ पे जी मारा सील मुर्गा काफ़ी बड़ा होता जा रहा है लेकिन इसका वजन जो कम होता जा रहा है, मुझे लगता है बड़ा हो रहा है ना, तो इंशाल्लाह फिर से वापस आ जाएगा। रोटी जो है इसने अच्छी खासी खा ली है, इधर से इसका पोटा जो है ना फुल नज़र आ रहा है। बाकी हमारी सील मुर्गी ने कुछ भी नहीं खाया, नहीं तो इसको जो है हम अपनी क्या कहते हैं पालक जो लाई थी वही थोड़ी सी काट के दे देते हैं, तो इसका कोई ना कोई इलाज तो करना पड़ेगा क्योंकि सुस्त हो गया, शायद क्रूक हो गई इस वजह से। अंडों पे हमने इसको बिठाया था लेकिन बैठी नहीं, तो यार मुझे हमने तो इसको मुर्गी को लाया था कि हम इसको अंडों पे बिठाएंगे, बच्चे निकलवाएंगे, लेकिन ये तो क्रूक ही नहीं हो रही, तो कोई नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। बाकी हमारे लिटिल डकी जो है यहाँ पे पानी में एक उसके ना पानी को गंदा कर रहे हैं, और वैसे जब इनको मैं बड़ी बर्तन में पानी डाल के देता तब तो नहीं नहाते, मुझे लगता है इनको सर्दी वगैरह लगती है। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये जब भी मैं वीडियो में आता हूँ तब तंग करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कबूतरों को निकाल देते हैं ताकि वो भी कुछ खा पी सके या पानी पी ले। सुगा ये जी हमारा माशाल्लाह से लक्का कबूतर, और काफ़ी टाइम हो गया इसको हमारे घर में है, उसके पार मैंने इसीलिए बांधे हुए क्योंकि तंग बहुत ज़्यादा करता है, भगता शकता तो नहीं, इसको हम अभी छोड़ते हैं ताकि पानी वगैरह पी सके। अभी जो है ना खुद ही पानी के पास चला जाएगा, काफ़ी प्यास लगी उसको भी निकाल देते हैं। और ये जी हमारी फीमेल कबूतरी, इसको हम छोड़ते हैं, इसके पेपर काफ़ी हद तक आ गए हैं। तो क्या फिलहाल जो है मैंने अपने सील मुर्गा मुर्गी को बंद कर दिया और अभी जल्दी से जो है मैं देसी मुर्गा मुर्गी को खोलते हैं, और यहाँ से दरवाज़ा खोलते हैं और ये थोड़ी सी रोटी और जो है ना इनको ले कर जा कर डालते हैं, ये इतनी काफ़ी है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ये रोटी खाएँगे, ये अपने ही काम करेंगे, छत पर जाएँगे उधर जा कर खाएँगे कुछ ना कुछ। सुबह फिलहाल जो है ना ये हमारे लिटिल मास्टर, वो माशाल्लाह से ये अच्छा वही चीज़ है, इसको हम निकलते हैं। शोर करना शुरू हो गया है, सब्र करो, एकदम ही डर जाते हो तुम भी, थोड़ा सा घूमा फिरा करो मेरे साथ। घूमते क्यों नहीं हो मेरे साथ, ऐसे घूमा करो जिस तरह मेरा बबलू घूमा करता था। खैर बबलू तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, वो तो अभी घूमेगा नहीं, वो तो सीधा उड़ेगा, पर तुम तो घूमा करो ना। और भाई साहब मुझे इसको भी निकालते हुए डर लगता है कि कहीं ये उड़ के निकल ही ना जाए, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ्लाई करना शुरू हो गया और बड़े हो गया ना काफ़ी हद तक, और पर जो है उनकी फुल आ गए। अब यहाँ से अगर मैं इसको निकालूँ और वो हो गए, वो देखे भाई साहब यार क्या चीज़ है, इतनी ज़्यादा फ्लाई। अभी यहाँ से थोड़ा सा दूर से छोड़ते शायद यहाँ से ना उड़ सके, देखते नहीं यार रिस्क लेते लेते क्या कहते हैं वो 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 नहीं 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 बना ना करी हो ये ना कहीं निकल जाए मेरे हाथ से, तो चल वापस अपने केज में, इसको कभी नहीं निकालूंगा कभी, इतना ज़्यादा उड़ जाते हैं यहाँ से कहीं निकल के उधर ही कहीं चला गया, इसको तो नहीं पता कि कैसे उड़ते हैं, कहीं बैठ गया जाके किसी से पकड़ लिया, बिल्ली ने पकड़ लिया, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा तो फिर मंजूर है खुदा ही होगा।
सुबह की जल्दी से लेटर अपने डकैती को बंद कर देते क्योंकि काफी टाइम हो गया बाहर निकले हुए, तो वैसे खाना पीना कर रहे नहीं है, गांव में चाह रहे हैं, तो जल्दी से इनको बंद कर देते पकड़ के। तो माशाल्लाह साहब को एक मजे की चीज खाते हैं जो मैंने अभी खुद नोटिस किया है कि यहाँ पे देखे, अगर आपको सही करके नजर आ रहा हो ना माशाल्लाह से, ये जो बच्चा है ना ये बिल्कुल अपनी फीमेल की तरह गया, जिस तरह वो है बिल्कुल वही चीज है, उसकी दुम के पास जो है ना ग्रीन मार्क है, उसकी दुम के पास ग्रीन मार्क है ये देखें। और दूसरा बच्चा जो है ना बिल्कुल माशाल्लाह से अपने बाप पे गया मेल पे, देखें इसके भी ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट है, उसके भी माशाल्लाह से, मैंने अभी खुद देखा है, पहले तो मुझे भी नहीं पता था। तो इस दफा जो दो बच्चे आए ना वहाँ पे माँ बाप के ऊपर गया, और माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे रॉकीज हैं, देखे किस तरह खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, और ये मेरे सबसे फेवरेट है, ना किसी को मारते हैं ना तंग करते हैं, अपना खेलते रहते हैं। और उसके अलावा जो है ना हमारे सारे देख सकते हैं आप बर्ड्स, बाकी कल हमने डाटा ये जो रखीज के बच्चे देखे थे, और अभी जो है ना कोई डिस्टेंस करके देखे ताकि हमें सरप्राइज मिलता रहे कि आज इतने बड़े हो चुके हैं, आज इतने बड़े हो चुके हैं। सो गाइस बाकी ये थी आज की हमारी वीडियो, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो में दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गाइस मिलते हैं आपको मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।